गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। तो आज अगेन मैं आपके साथ में अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, 5 बजे वाली, क्योंकि ये वाली रूटीन शायद आप सबको काफ़ी पसंद आती है। क्योंकि ये इस तरह के वीडियोस जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज अगेन आपके साथ में अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ अपनी। तो सुबह की बजी है करीबन 5:15 और अलार्म जो है वो मैंने 2 लगाए थे, 5 बजे का भी लगाया था और 5:05 का लगाया था। तो 2 अलार्म जो है वो तो मैंने बंद किए, उसके बाद में लेटी रही, उठी नहीं थी फिर 5:15 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि अब अगर नहीं उठूंगी तो फिर आगे मेरे सारे ही काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेट हो जाएगा बच्चे के स्कूल का। तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो मेरी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। कुछ आपको अलग अलग कुछ चीज़ें देखने मिल जाएगी आज के वीडियो के अंदर, क्या अलग देखने मिलेगी वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो थोड़ा आपको बाहर के नज़ारे बता देती हूँ। सुबह 5:15 बजे बाहर का नज़ारा कैसा होता है, तो बिल्कुल अंधेरा है और अच्छी खासी ठंड है, बहुत, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा फॉग भी दिख रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी इतने दिन से वो नहीं चल रही है, और इसलिए आज बहुत दिन बाद में मैंने जो हॉल की विंडो है वो इतनी जल्दी खोल दी है। अदरवाइज़ तो करीबन 1 महीना या 1.5 महीना हो गया मैं मंदिर से आती हूँ 10 बजे, उसके बाद में ही घर की जितनी भी विंडोज़ है वो ओपन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएँ चल थी। अच्छा, बच्चों को मैं दोनों को हिलाकर आई थी, लेकिन ये है कि बच्चे एकदम से नहीं उठते हैं। उनको मैं एक दो आवाज़ लगाने के बाद मैं फिर कुछ देर सोने देती हूँ, क्योंकि होता है ना, क्योंकि मैं भी उठती हूँ ना, तो मैं एक अलार्म में कहाँ उठती हूँ, एक या दो अलार्म जो है वो तो बंद करके लेटी रहती हूँ और फिर तीसरे या चौथे अलार्म में उठती हूँ। तो इसके लिए बच्चों को भी मैं ऐसा नहीं है कि एक ही बार मैं झटके से उठा दूँ, नहीं तो फिर उनका भी मूड ख़राब होता है सुबह सुबह। तो अभी मैं उनको आवाज़ लगा के फिर मैं आई हूँ। अभी मेरे पास में 15 मिनट है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद ही मैं किचन के काम स्टार्ट करती हूँ। तो 15 मिनट में मैंने सोचा कि चलिए योगा कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए योगा किया ही नहीं है, ना योगा किया ना एक्सरसाइज किया है। तो आज के वीडियो में नई चीज़ आपको यही देखने मिलेगी कि मैंने 3-4 तरीके के जो बेसिक योगा होते हैं वो किए। अच्छा, उड़ते में ही सबसे पहले तो मैंने हॉल के अंदर किचन में और जो पैसेज है वहाँ पर झाड़ू निकाल दिया था। तो उड़ते में ही एक बार झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ, और आप सबको भी मैं हमेशा एडवाइस ज़रूर देती हूँ कि आपके पास टाइम हो नहीं हो, लेकिन फिर भी सुबह बासी कचरा ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की जो नेगेटिविटी होती है वो उस कचरे के साथ में बाहर चली जाती है। और बस वो करने के बाद में फिर मैंने थोड़ा 15 मिनट के लिए योगा एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करी, और अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ जाती है। आप थोड़ी बहुत भी अगर एक्सरसाइज योगा करते हैं ना तो। और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, और बच्चे जो हैं वो भी उठ गए हैं, वो लग गए हैं अपने अपने काम पर। गीज़र मैंने पहले ही चालू कर दिया था, गर्म पानी की बाल्टियाँ मैंने भर के रख दी है, एक बाल्टी तो अंदर ही रखी है अंदर वाले बाथरूम में, और एक बाल्टी मैंने बाहर वाले बाथरूम में रखी है। तो बच्चे ब्रश वगैरह करके नहाने के लिए चले जाएँगे, और अब मैं जल्दी से करूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयारी। और सबसे पहले तो रख दूँगी चाय, और उसके बाद में बनाऊँगी बच्चों का टिफ़िन। अभी चाय मैं सिर्फ दोनों बच्चों के लिए ही बनाऊँगी, मेरे लिए नहीं बनाऊँगी। इतने दिन तो मैं बच्चों के साथ में ही चाय अपने लिए भी बनाती थी, पी लेती थी, लेकिन आजकल जैसे कि ठंडी का मौसम है तो बच्चों को छोड़ के जब मैं ऊपर आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, तो फिर मैं उसके बाद ही चाय बनाती हूँ मेरे और जैन साहब के लिए, और फिर आराम से बैठ के एक बार चाय पीती हूँ। तो अभी जो रूटीन है आजकल की, थोड़ी बहुत विंटर स्पेशल रूटीन चल रही है मेरी, चेंजेस किया है थोड़ा बहुत रूटीन के अंदर। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस लाते रहते हैं अपनी रूटीन के अंदर ना पूरे दिन की, तो आपको काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो देखो बेसिक जो काम है वो है ही है हम हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि पूरे दिन घर के अंदर रहना है और घर के जो बेसिक काम है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन बच्चों के आगे पीछे भागना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन यह है कि आप अपने रूटीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे तो काम करना आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस यही बात है। और अब देखो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन में मल्टी ग्रेन मेथी वाला चीला। रेसिपी खैर मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर करी है, लेकिन कई बार मेरे को पूछते हैं कि आप कोई ईजी टिफ़िन की रेसिपी शेयर कीजिए। तो जो नए नए लोग चैनल के साथ में जुड़ते हैं, तो जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिए रेसिपी नहीं होती है। तो 3 तरीके के आटे मैंने मिक्स किए हैं, गेहूँ का आटा है, बेसन है
और मक्की का आटा है। तभी विंटर्स का टाइम है तो मक्की का आटा घर के अंदर ईजिली मिल जाता है हमारे घर के अंदर, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में मैंने बेसिक वाले मसाले अंदर डाल दिए थे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक और ढेर सारी डाली है इसके अंदर। सूखी वाली मेथी आती है ना जो कसूरी मेथी, वो मैंने ऐड कर दिए। तो आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा पौष्टिक बना सकते हैं अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग, उनको क्या पसंद है खाना उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके के आटे लिए हैं, आप इसके अंदर और भी ज्वार का, बाजरे का, रागी का, चावल का आटा जो भी आपके पास में है आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनाओ। और इसके अलावा इसके अंदर आप वेजिटेबल्स वगैरह ये भी डाल सकते हैं। मेरे पास में तो अभी जो चीज़ें थी मैंने वही ऐड कर दी। अच्छा, उसके बाद में मैंने थोड़ा हरा धनिया भी डाला था और भी इन चीलों को फ्लेवरफुल बनाने के लिए। और बस अब मैं जल्दी से जो तवा है उसके ऊपर इनको फैला दूंगी। तो डोसे के तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे डोसे का तवा जो है वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो गया है, नया लेकर आना है। तो अभी मैं जो रोटी बनाने का तवा है वो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उस पर भी ईज़िली बन जाते हैं चीले। तो अभी मैंने 2 तवे रखे हैं क्योंकि दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना होता है और फिर चीलों को बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो फिर लेट हो जाएगा। इसके लिए मैं 2 तवे रख देती हूँ ताकि काम मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और किचन में काम करते करते थोड़े दूसरे काम जो है वो भी मैं निपटाती रहती हूँ, लेकिन सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक तो वीडियो तो लंबा हो ही जाता है और फिर मुझे बार बार उस ट्राइपॉड को हिलाना होता है, लेट हो रहा होता है सुबह सुबह, तो सब चीज़ें आपके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ। बीच में बच्चों को भी जा के देखती रहती हूँ कि उनको बाथरूम में नींद ना आ जाए, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो टिफ़िन वगैरह बन गया, बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं और अब मैं जाऊँगी उन दोनों को नीचे छोड़ने के लिए। इतने अंधेरे में स्कूल जा रहे हो? इतने अंधेरे में स्कूल जा रहे हो? हाँ। तुम स्कूल जाओगे और मैं तो सो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओगे? हाँ, स्कूल में सो जाओ। स्कूल में सो जाओगी? ये झोले में क्या लिया है? टिफिन। झोले में टिफिन लिया है। और जस्ट सामने है गार्डन का, जस्ट सामने है गार्डन का गेट, वो देखो लोग आपको वॉकिंग करते हुए दिख रहे होंगे। इतने अंधेरे में बेचारे क्यों आ जाते हैं? साथ में उनके हाथ में टॉर्च भी है। साथ हाथ में टॉर्च नहीं बेटा, पर ये कि सुबह सुबह जो घूमने का जो मज़ा होता है ना वो फिर बाद में नहीं आता है। हल्का सा अंधेरा होता है, हल्की सी लाइट होती है। ये देखो ये अंकल जी जा रहे हैं, इनके हाथ में कुछ तो है, लकड़ी भी है और साथ में और तो कुछ तो लेके जा रहे हैं। ऑटो आया अभी तक, बस नहीं आई, बस आ गई। हाँ, आज मंडे छुट्टी है क्या स्कूल? आज मंडे को छुट्टी होती है? मंडे को स्कूल होता है? नहीं, के रीजन से है ना, महात्मा गांधी की एनिवर्सरी है। महात्मा गांधी की एनिवर्सरी है? अरे गोपाल बोला मेरी छुट्टी है, मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने वीडियो की शुरुआत तो कब से हो गई थी, 5 बजे से ही आप मुझे देख रहे हो काम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए और मेरे बच्चों को तैयार होते हुए। अभी बज गई है कितनी, 6:35 हुआ है, नीचे आई हूँ और नीचे देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो शायद बस, बस नहीं आई, पता नहीं कोई रिक्शा विक्शा आया, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और आज है ना थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, ठंड कम है ना, विहान ने तो स्वेटर भी नहीं पहना है। विहान ने स्वेटर पहना था पर उसने खोल दिया, ठंड लगी नहीं थी और सीरियसली आज ठंड नहीं है, ठंड बिल्कुल कम हो गई है आज। बच्चों को बस में बिठा के फिर मैं ऊपर जाके और मस्त कम्बल वम्बल ओढ़ के और सोने वाली हूँ। तुम दोनों चले जाते, उसके बाद मैं मजे से सो जाती हूँ, एक दो घंटे तक सो जाती हूँ। मज़ा अलग ही होता है यहाँ, मतलब यहाँ तुम लोगों को छोड़ के फिर एकदम शांति से सोना, कोई परेशान करने वाला नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो
तो बच्चों को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है। खैर उनको भी पता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, ऊपर जाके मैं कोई सोती वोती नहीं हूँ। वो भी मैं भी मजाक कर रही थी, वो भी बातों को मजाक में ही ले रहे थे। और अभी करीबन 7 बज गई है, 7 बजे तक जैन साहब जो है वो भी उठ जाते हैं, तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बनाई। वो बाहर बैठ के ही चाय पी रहे हैं, मम्मी जी बाबू जी वो भी बैठे हैं, बातें बातें कर रहे हैं वो लोग। और मैं आई हूँ अंदर कमरे में, क्योंकि ना इस तरीके से बाहर बैठ के चाय पीना अच्छा नहीं लगता है उन मम्मी जी और बाबू जी उनके सामने, तो इसके लिए फिर मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। और बेडरूम में वैसे भी ना बिस्तर वगैरह पड़े हुए ही रहते हैं, तो फिर वहीं पर बैठ के और फिर मैंने आराम से चाय वगैरह पी। और अब ये वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं ये है करीबन 7:45 का, और इस बीच पे बहुत सारे काम जो है वो मैंने किए थे जो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किए। और अभी मम्मी जी बाबू जी और जेंसा भी तीनों जने चले गए हैं मंदिर, और अब मैं करूँगी पहले लंच की तैयारी, और उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद में ही मंदिर जाऊँगी। तो आजकल की जो रूटीन है वो मेरी कुछ इस तरीके की हो गई है। तो चने की दाल बना रही हूँ, चने की दाल जो है वो मजबूरी में बनाई है क्योंकि आज मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। 2-3 दिन से उड़द की दाल जो घर में सबको पसंद करते हैं वो भी बन गई है, मूंग की दाल बन गई है, चवले की दाल बन गई है, और आज फिर मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं तो मैंने आज रखी है चने की दाल। तो चने की दाल जो है वो जनरली सिर्फ चावल के साथ में सबको पसंद आती है, तो और आज मेरे पास में दाल के साथ में जो मैं बिना पानी वाली जो सब्जी बनाती हूँ ना सूखी सब्जी, वो भी मेरे पास में ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो सब्जियाँ आई थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सब शिमला मिर्ची और कच्चे केले पड़े हैं, कच्चे केले मैंने कल शाम को ही बनाए थे, शिमला मिर्ची मैंने शायद परसों सुबह मैंने बनाई थी, तो वो की वही सब्जियाँ रिपीट करूँगी तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, तो फिर सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो फिर मैं बना रही हूँ आज हरी चटनी, क्योंकि ढेर सारा पड़ा हुआ हरा धनिया और बहुत दिन से एक्चुअली बनी भी नहीं है चटनी, तो मैं सोच रही हूँ कि चटनी ही बना देती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ये सारी की सारी चीज़ें जो है इकट्ठी कर ली है, ढेर सारा ले लिया हरा धनिया, फिर लिया है मैंने थोड़ा सा एक छोटा टमाटर मैंने चॉप कर दिया ताकि मुझे चटनी के अंदर पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा। और हरी मिर्ची ली, हरी मिर्ची भी मैंने 2 तरीके की ली, एक तो ली है बिल्कुल कम तीखी वाली और उसके अंदर मैंने 2 ये जो डार्क कलर की होती है ना जो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है अब वो मैंने मिक्स करी है ताकि एकदम चटपटी से चटनी बनेगी। और साथ में मैंने ली है ये थोड़ी सी इमली जो कि फ्रिज में पड़ी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा कड़क कड़क लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी 10-15 मिनट पहले डाल दिया था तो ये भी नरम हो गई है। और इसके अलावा कुछ मैंने मसाले जो है वो भी लिए हैं, लाल मिर्ची लिए थोड़ी सी, थोड़ा सा लिया है अपना हरे धनिया का पाउडर, सूखे हरे धनिया का पाउडर थोड़ा सा लिया, नमक और थोड़ा सा लिया है जीरा। तो बस अभी इन सभी चीज़ों को मिलाकर और बनाएंगे जल्दी से चटनी। तो इसी चटनी में बहुत सारे लोग लहसुन और प्याज और ये चीज़ें भी डाल के बनाते हैं, तो हमारे घर के अंदर तो विदाउट ऑनियन और गार्लिक वाली चीज़ें बनती है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें हम नहीं डालते, खाली इन्हीं चीज़ों के साथ में ही चटनी बनाते हैं, काफ़ी अच्छी बनती है चटनी। अच्छा, दाल जो है वो तो घर के अंदर मतलब मॉर्निंग के टाइम पर कंपल्सरी बनती ही बनती है, लेकिन ये है कि दाल के साथ में कुछ ना कुछ सूखी सब्ज़ी मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को ही खाली दाल के साथ रोटी पसंद नहीं है। राइस खा लेती हूँ दाल के साथ में, लेकिन मुझे रोटी जो है वो दाल के साथ पसंद नहीं आती है। कोई ना कोई सूखी सब्जी हो, चटनी हो या कुछ अचार वगैरह हो तो चल जाता है, लेकिन अभी अचार वगैरह कुछ है नहीं है और सूखी सब्जी थी नहीं, तो आज चटनी से ही काम चला लेंगे। और दोनों बच्चों को तो खैर ये वाली ग्रीन चटनी जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आज तो बच्चे खुश होने वाले हैं क्योंकि उनके पसंद की चटनी बनी है। और चटनी जो है वो मैंने बना के एक छोटी डिब्बी के अंदर निकाल दी है, और जो ये मिक्सर का जार है इसके अंदर काफ़ी सारी चटनी चिपक गई थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, और अब इस पानी को मैं चटनी के अंदर मिक्स नहीं करूँगी, इसको जो मैं दाल बनाऊंगी ना उस दाल के पानी में मिक्स कर दूंगी, तो वेस्ट भी नहीं होगी और दाल का टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। इधर मैंने आटा जो है वो पहले ही लगा के रख दिया था, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के रखा था ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अब तेल लगा के ढक के रख दूंगी। तो इधर दाल का तड़का मैंने तैयार कर दिया, दाल जो है वो भी बॉईल हो गई है, और रेसिपी मैंने आपके साथ में दाल की शेयर नहीं करी है क्योंकि दाल की रेसिपी जो है वो मैं कई बार आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। विदाउट ऑनियन और गार्लिक वाली दाल है ये, और खाली मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची, टमाटर और हींग इसका स्पेशल तड़का लगा के फिर बनाई है, काफ़ी अच्छी लगती है इस तरीके की दाल भी, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, आप लोग हैं ना ये सोचते होंगे कि बिना लहसुन और प्याज के पता नहीं कैसी लगती होगी सब्ज़ियाँ, हमें नहीं अच्छी लगती है ऐसा, लेकिन आप एक बार है ना ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी बनती है इस तरह की सब्जियाँ।
टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती है। तो घर के सारे ही काम हो गए, अभी आप मेरी ड्रेस जो है वो चेंज देख रहे होंगे, क्योंकि मैं नहा धो के चली गई थी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद में फिर मैंने बनाई थी रोटियां, हम सब ने खाना वाना खा लिया है, मम्मी जी ने बर्तन साफ़ किए थे, जब तक मैंने बाहर की जो डस्टिंग है वो सारे काम किए, और अब मैं अगेन आई हूँ किचन के अंदर, मुझे करना है पूरा ही प्लेटफॉर्म और किचन की साफ़ सफाई, तो बस अभी उसी के अंदर लगी पड़ी हूँ। तो सुबह का जो रूटीन होती है, मतलब वो मेरे इस किचन के प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के साथ में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबसे लास्ट का जो काम रहता है वो यही वाला होता है, और बहुत ही अच्छे से जो किचन है उसको मैं साफ़ करती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि शाम को फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, ना तो टाइम मिलता है और ना ही मेरा मन होता है शाम को इतना ज़्यादा कुछ काम करने का। हल्की फुल्की सफाई जो है वो तो दिन भर ही चलती रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है किचन की ना, जो सुबह ही करनी होती है, वो मैं अच्छे से करती हूँ। तो बस चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो, ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, लंच बनाया, जो भी चीज़ें पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना। आजकल आपके लाइक कमेंट उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा कंजूसी से करने लगे हैं, मतलब इतने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, और कम से कम 15,000 की मेरी फैमिली हो गई है, लेकिन व्यूज़ जो है वो ना इतने आते हैं, ना ही कमेंट इतने आते हैं, पता नहीं कहां जाके क्या कमी हो रही है, मुझे कुछ पता नहीं। यदि आपको कुछ ऐसी कमी लगती है तो आप प्लीज़ दिल खोल के आप अच्छे से बताइए मुझे, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊं, बिना कमेंट के हुए मुझे नहीं पता चलेगा, यही है कि एक तरफा ही चीज़ें होती जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।